दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड ग्वालियर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो ग्वालियर के नज़दीकी पगारा डैम की है। काफ़ी सुंदर जगह है, हम लोगों ने जाके वहां देखा, तो वो वीडियो एंजॉय कीजिए, उसको अंत तक ज़रूर देखिए। और एक मैसेज और है आप लोगों के लिए, हमारी लगातार वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, इसमें 60% लोग वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज वीडियो के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, बने रहिए। तो ये है आज का मौसम और हम निकले आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाने। मेरे साथ हैं अमित भाई भी। हाय। हम लोग घर से निकल चुके हैं और लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं शहर से, और यहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए। सामने चाय बन रही है, कुल्लड़ वाली चाय, बढ़िया सी। तो भाई साहब आ गई हमारी ये कुल्लड़ वाली गर्मा गर्म चाय, इसको पीते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों चाय पी लिए और हम लोग निकलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। हम लोग जा रहे हैं मुरैना वाली रोड और बस एंजॉय कीजिए वीडियो को। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों से, निवेदन करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं पर जिसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री रहता है। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया कराया करेगी, तो जितनी वीडियो हैं बनाते हैं वो सब डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएंगी। बने रहिए वीडियो में, चलते हैं हम लोग। सफर तय करने के बाद मुरैना के पास हमें ये मिली है नदी, इसको बोलते हैं सांख नदी। अमित भाई ले रहे हैं नदी का नज़ारा, आपको भी दिखाते हैं। तो ये है वो सांख नदी जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं बोटिंग, शायद मच्छी मारने की व्यवस्था। और काफ़ी गंदी हो चुकी है नदी, एकदम नाले की तरह दिख रही है। और काफ़ी सारे भाई लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, खुदाई उदाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, देख सकते हैं आप, पता नहीं क्या खोज रहे हैं ये लोग। और ये है हाईवे पे, सामने से गाड़ियां आ रही हैं। इधर पे कुछ छतरी टाइप बना हुआ है, पता नहीं क्या है, उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, आज मौसम बड़ा लाजवाब है, मौसम बहुत साथ दे रहा है। यह है इधर पे सांख नदी, अब आगे जाके नज़ारे बदलने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ से बता रहे हैं सिमावली जाके पगारा डैम के लिए नज़दीक पड़ता है, तो चलिए ये आला रास्ता तय करते हैं। वो जो बीच में पुल दिखाया था मैंने आपको, उससे कुछ ही दूरी पर जो उल्टे हाथ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से अब हम आगे का रास्ता तय करेंगे पगारा जाने के लिए। सिमावली होते हुए जा रहे हैं हम लोग, तो रास्ते के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में, बने रहिएगा। भाई आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए रास्ते की, बताइए। मैं तो यही वो रास्ता है जहाँ से हम पटिया वाले बाबा के स्थान पर जाते हैं, जिन्हें कन्हे वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर कुत्ता काट लेता है तो उसका पानी यहाँ से पिया जाता है। तो बोल पटिया वाले बाबा की। भाई साहब हम लोगों का डिसीजन गलत हो गया, हमने सुमामदी वाली जो रोड पकड़ी थी आधा रास्ता तो बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद जो रोड मिली है तो बहुत ही घटिया है, पूरी ऑफ रोड है, गांव के अंदर से होते हुए जाना पड़ रहा है हम लोगों को। देख सकते हैं हमारी गाड़ी किस तरह से छोले खा रही है। तो आप लोग आएँ तो भाई साहब मुरैना की तरफ से आएँ, मुरैना वाला रोड अच्छा है। यहाँ तो दुनिया खत्म हो गई है आके। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रास्ता खत्म हो गया लेकिन पेट्रोल अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए यार रास्ता खत्म हो गई है, नदी चल रही है एक बढ़िया। तो
दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, रोड का तो नामो निशानी नहीं है। ये सब जगह तो बढ़िया है, देखिए मस्त हरियाली हरियाली है। अमित का हो गया यहाँ पे आके दिमाग खराब। जाओ खतरों के खिलाड़ी रोड पार कर। ये रोड हमें पप्पन भैया ने बताई थी सुमावली होते हुए जाना, यहाँ के तो रोड ही खत्म हो गई। चला आराम से निकाल जा। लड़के ने गाड़ी निकाल दी। चलो भैया अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है क्योंकि हम लोग गलत रास्ता पकड़ के निकले हैं। गूगल ने भी धोखा दे दिया आज हमें। ये देखिए, अरे वाह गजब यार, क्या सुंदर मोर। चलना 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 चल, अबे चलना, अबे चलना, भगने दे उसको, उड़ेगा ना। मोर था मोर, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अमित और मैंने देखा, वो देखिए जंगल में मोर और ये काला कुत्ता। और कुत्ता भी नाचा। ओबे चीता तो नहीं है। चलना नहीं काटेगा। बाय ब्रदर। हाँ फाइनली पहुंच गए हम लोग। हाईवे मिला है सामने जोरा जाने के लिए। अब जोरा जाएंगे फिर उसके बाद पकारा जाएंगे। चुके हैं पगारा डैम। हम लोग यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं आपको। अब ये है पगारा। लग नहीं रहा कि ये ग्वालियर के आसपास ऐसी कोई खास जगह भी है। पूरा टापू टापू जैसा दिख रहा है। अभी हम लोगों को ये नीचे से जाना है। हमारे आगे जो कार गई थी वो देखी, वो जा रही है। भाई साहब पीछे का नज़ारा है ना जबरदस्त। अमित भाई कैसा लग रहा है? वाह मजा आ गया, एक नंबर है ना। इतना दूर आए, मेहनत का फल इतना प्यारा होता है, पता नहीं था। चलिए अब नीचे उतर के दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारे। देखिए भाई साहब, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आते आते हम लोग काले हो गए। बहुत उमस है यार। और ये देखिए घाट। पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग बांध। ये है पगारा डैम। ये इस तरह दिखता है ऊपर से। अभी गर्मी का समय है तो पानी सूख चुका है, पर फिलहाल काफ़ी खूबसूरत जगह है पिकनिक बनाने के लिए। आइए आगे से नज़ारे दिखाते हैं आपको। इस तरफ बैठ के बढ़िया आप पिकनिक बना सकते हैं, जो आपको बनाना है खाना है सब कर सकते हैं आप यहाँ आके। उधर नहाने के लिए भी बढ़िया है। और यहाँ से जब बारिश में गेट खुलते हैं डैम के, तो इस तरफ से पानी बाहर निकलता है। डैम के गेट खोलने के लिए यहाँ से डैम के गेट खुलते हैं। ओवरफ्लो होने के बाद ये जो पानी इधर से निकल जाता है, ठहरा हुआ पानी है इसलिए गंदा सा दिख रहा है। और इधर पे बह रहा है पानी। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं पिकनिक बनाने, वो लोग बढ़िया नहा धो रहे हैं इधर पे। ये देखिए यार काफ़ी सारे लोग हैं। ये लोग हैं, इधर से पानी निकल रहा है, इधर पे बढ़िया नहा सकते हैं। और ये पानी बह के इधर से निकल जाता है। जगह देखिए आप, जन्नत है भाई साहब। यहाँ से उतर के नीचे आ चुके हैं और इधर का नज़ारा आप लोगों के लिए कैद करने कि जो डैम का पानी है पीछे तरफ से आता है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा धो सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। तो चलिए करीब से दिखाते हैं थोड़ा नीचे जाके। इस तरह की सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। और ये है जगह। क्या देख रहा है, मछली है क्या? मछली हैं, होंगे होंगे होंगे। तो ये है वो डैम के पीछे से आता है पानी। तो थोड़ा और पास चलते हैं। ये देखिए अमित किस तरह से आ रहा है, दीवार से सट के। अरे साइड से आ जाता ना। तो ये है भाई पानी,
यहाँ से आ रहा है डैम के पास से, सीढ़ियों से उतरता हुआ गुफा के अंदर से वाटरफॉल बन गया एक बढ़िया सा। राहत मिल गई है, जगह एक नंबर है भाई साहब। बढ़िया ठंडा पानी इधर से आ रहा है और जब डैम भर जाता है तो पानी इधर से उठ जाता है। यहाँ पिकनिक बना सकते हैं, बढ़िया खाना वाना जो कुछ भी आपको करना है आ सकते हैं, बड़ी अच्छी जगह है। दूसरी अच्छी बात, यहाँ पे पेड़ लगे हैं, धूप ज़्यादा बढ़ती है तो आप छाँव में भी बैठ के अपनी पार्टी को इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर की ओर क्योंकि अमित भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ से चढ़ के ऊपर फिर से रास्ता तय करना है। तो अब हम लोग थोड़ा गांव तरफ जाएंगे, नीचे तरफ से थोड़े नज़ारे देखेंगे आप लोगों के लिए। ये ऊपर तरफ से कुछ नज़ारे थे, अब गांव के बीच में जाके थोड़े से शॉट लेते हैं आप लोगों के लिए। एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। खतरों के खिलाड़ी, ये देखो ये देखो ये देखो, मस्त एकदम स्टंट कर रहा है मोड़ा। तो ये है वो टापू जो पानी के बीचों बीच में बने हुए हैं, इधर से पानी उतर गया और पानी आगे तक पहुंच गया। चलिए आगे से दिखाते हैं आपको यहाँ के नीचे के नज़ारे कैसे दिखते हैं। देखिए क्या मस्त घास, पूरी घास से ढका हुआ टीला है चारों तरफ है, चारों तरफ इस तरह के टीले बने हुए हैं। ये अमित पहुंच गए आगे हमसे और वहाँ है पानी पानी। ये देखिए नज़ारे क्या लग रहा है अमित, अरे वाह यार। चलिए अब चलते हैं थोड़ा अमित के पास, बेचारा बोर हो रहा है अकेला खड़े होके। चले अमित। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को। मिलते हैं फिर, तब तक बने रहिए आने वाले नए वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नए हैं तो। बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय भारत।
We'll be right back.